हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आईसीएसई के स्टूडेंट्स की बात करने वाले हैं जो 2023 में एग्जाम देने वाला है। बच्चों, आपके ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि सीआईएससी के वेबसाइट पे आपकी रिवाइज्ड सिलेबस जो है वो आ गई है। यू शुड नो द सिलेबस। मैं साइंस के सिलेबस को कवर कर रही हूँ, उसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अलग अलग वीडियोज बनाया है। इस वीडियो में हम फिजिक्स के जो सिलेबस है उसको इलेबोरेटली देखने वाले हैं। देखो, एग्जाम आपका 2 घंटे का होने वाला है, ठीक है। अब आपका सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 नहीं होने जा रहे, तो 80 मार्क्स का आपका जो होगा वो थ्योरी आ रहा है और 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल का होगा। तो सिलेबस को बहुत अच्छे से देखिए ताकि आप उसको ढंग से पढ़ सके। देखो, सीबीएसई और आईसीएसई के सिलेबस में काफी फर्क है। आईसीएसई में 9th 10th दोनों का मर्जर है, सिलेबस थोड़ा सा ह्यूज है। यहाँ पे आपको फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी ये सब पढ़ना है जो सीबीएसई में 9th में है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है। देखो, आपको टॉर्क वगैरह भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, मूवमेंट यानी कि जो टर्निंग इफेक्ट होता है, फोर्स जब घूम जाता है ना तो उसको टॉर्क कहते हैं। इन जनरल एक भाषा है घूमने का, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझना होगा। जैसे डोर, दरवाजा जब खुलता है, डोर के हैंडल को ऐसे घुमाते हो तब दरवाजा ऐसे खुलता है, तो पुश एंड पुल भी है और एक टर्निंग पॉइंट भी है वहाँ, तो वो चीजें देखनी है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, और रोटेशनल जैसे पंखा घूम रहा है, प्रिंसिपल्स ये सब आपको देखना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी किसी बॉडी पे लगती है तो एक वो पॉइंट जहाँ पे पूरा का पूरा मान लें कि बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है और ग्रेविटी वहाँ लग रही है, ठीक है। देन, और हाँ, यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में यूनिट नहीं दिया गया है, आंसर आप एसआई यूनिट में लिखेंगे। आई होप एसआई यूनिट आप सब जानते होंगे। देन वर्क एनर्जी एंड पावर, ये आपको जानना है, ये उतना मुश्किल नहीं है। वर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो आपको करना है, और यू हैव टू नो द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज समथिंग न्यू, तो वो आपको सीखना है। देन एनर्जी के जो अलग अलग टाइप्स पढ़ने हैं आपको, मैकेनिकल, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज हैं उसमें। आपको मेन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी विच इज मैकेनिकल एनर्जी, उसको ध्यान से पढ़ना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। लाइट, साउंड, ये सब थोड़ा थोड़ा विथ एग्जाम्पल पढ़ना है, विथ एसआई यूनिट्स एज वेल। फिर मशीन पढ़नी है आपको, फोर्स मल्टीप्लायर, जैसे कि लोड है, इफेक्ट है, मैकेनिकल एडवांटेज है, ये सब आपको देखना है, ठीक है। पुली पढ़ना है, पुली सिस्टम, ओके। देन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी और ईजी भी है, यानी कि टोटल एनर्जी जो किसी सिस्टम का होता है ना वो कंजर्व रहता है। कंजर्व रहने का मतलब ना टोटल एनर्जी घटता है ना टोटल एनर्जी बढ़ता है, और ये जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। फिर लाइट में बच्चे आपको पूरा रिफ्रैक्शन देखना है। रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है। प्रिज्म पे देखना है आपको, प्रिज्म में डिस्पर्शन होता है ना, लाइट आती है तो वो 7 अलग अलग कलर्स में बट जाती है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन भी पढ़ने, फॉर्मूलाज पढ़ने, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। डायमंड, ग्लास, बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि क्लास 10th है, तो ये करना है। देन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, यानी कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो वो इतना हो कि लाइट अपने पुराने मीडियम में लौट जाए, ओके तो ये देखना है। देन ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम अ डेंसर, आपको दो मीडियम जानना होगा, एक मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कम है जो डेंसर मीडियम है, जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा है वो रेडर मीडियम है, तो काफ़ी सारे एंगल्स वेंगल्स हैं उसमें, डिस्पर्सन एंगल, वो सब देखना है। इसके बाद जब आप लेंस पढ़ोगे, लेंस में भी आपको देखना होगा मैग्नीफाइंग पावर वगैरह सब देखना है। दो लेंस का मिलाते हैं तो क्या होता है, कुछ नई टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, ये सब आपको जानना पड़ेगा। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, इसमें आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रे डायग्राम में बच्चे फंसते हैं, ठीक है। पावर, दो लेंस को जैसे चश्मे पहनते हैं ना, उसमें अगर पावर है तो लेंसेस में अगर कनकेव कन्वेक्स दो तरह के चश्मे हैं तो किसके पावर को ऐड करेंगे, तो कैसे बनाएंगे। देन ट्राइंगुलर प्रिज्म, प्रिज्म में आप देखोगे कि एक प्रिज्म से लाइट को पास कराया तो 7 रंगों में बट गया, फिर उलट के दूसरा प्रिज्म लगा दिया तो फिर से वापस वाइट लाइट आ गया, तो वो सब चीज़ें पढ़नी है। देन कम्स द टॉपिक साउंड, साउंड एनर्जी, साउंड इज ऑल्सो एनर्जी, साउंड में भी रिफ्लेक्शन होता है ना, आपने सुना होगा आपकी आवाज़ का, जैसे पहाड़ है, पहाड़ी एरिया में जाओ और बोलो आपकी आवाज़ बाउंस बैक करेगी, दैट इज इको, इको पढ़ना, और इको से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ने। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी, दैट इज सोनार, सोनार मतलब जैसे आपको किसी समंदर का डेप्थ मापना हो तो साउंड वेव को भेजो वो वापस आएगी,
देर आर सम न्यूमेरिकल जिसके बेसिस पर हम उस हाइट को मापते हैं. देन नेचुरल वाइब्रेशन, वाइब्रेशन जो होती है ना बच्चे, वाइब्रेशन जो होती है वो नेचुरल भी होती है, डैम्प्ड भी होती है, फोर्स्ड भी होती है, रेजोनेंस, ये सब नई चीज़ें हैं, ये सब आपको पढ़ना है. लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, आवाज़ में जो अलग अलग आवाज़ें होती हैं उसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो सब पढ़ना है. फिर आते हैं हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. देखो इलेक्ट्रिसिटी में आपको पूरा ओम्स लॉ, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब पढ़ना है विद डायग्राम, सर्किट डायग्राम देख के. सीरीज में जैसे सेल्स हैं या रेजिस्टर्स है, उसको रेजिस्टर्स को कनेक्ट करोगे, सीरीज कनेक्शन एक होता है, एक होता है पैरेलल कनेक्शन, वहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं. इलेक्ट्रिसिटी में हर डिवाइस में पावर देखते हो ना, पावर रेटिंग की रहती है, तो पावर क्या होता है, बिजली बिल कैसे निकालते हैं, वो सब सीखना है, किलोवाट आवर, राइट. डोमेस्टिक सर्किट पढ़ोगे, मेन सर्किट. आपको अच्छा है कि इस चैप्टर से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो कैसी है, कौन कौन तरह के फ्यूज होते हैं, एमसीबी क्या होता है, सारे सर्किट डायग्राम्स, अर्थिंग क्या होती है, ये सब. तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जहाँ होगा वहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट भी पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी पढ़ना है उसमें, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जहाँ है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जहाँ होता है वहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और जहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट है वहाँ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, यानी कि दोनों भाई भाई हैं, एक के बिना दूसरा नहीं है. तो ओमनी प्रेजेंट है मैग्नेटिक इफेक्ट, तो आपको वो भी पढ़ना है. इसके काफ़ी सारे रूल्स हैं, राइट हैंड रूल, थंब, उसके बाद लेफ्ट हैंड रूल, तो वो सारे रूल याद करोगे विथ डायग्राम्स. ए सी डी सी सर्किट जो सुना होगा आज तक वो पढ़ना है आपको. फिर आते हैं हीट पे. हीट उतना मुश्किल नहीं है बट नई है, नई चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस होंगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. एंड द थिंग इज कि यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल करना है, कैलोरी मीटर क्या होता है, हीट की एसआई यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है, ये सब आपको देखना है. लेटेंट हीट यानी कि वो छुपा हुआ हीट, जैसे पानी जो है वाटर को बॉईल करोगे ना तो एक बार स्टीम बन जाएगा, तो जब वाटर को बॉईल कर दें तो एनर्जी दे रहे हैं, पर अब वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो वो हीट कहाँ जा रहा है, दैट इज अ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. उसी तरीके से फ्यूजन. फिर आते हैं मॉडर्न फिजिक्स पे. मॉडर्न फिजिक्स में इसको आप केमिस्ट्री समझ लो, रेडियो एक्टिविटी पढ़नी है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, अल्फा बीटा डीके गामा डीके, ये सब थोड़ा सा देखना है. दिस इज एन ईजी पार्ट, ठीक है. कुछ एसआई यूनिट जो आपको इस पीडीएफ में दी हुई है तो आप इसको सीआईसी के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए, आपके बुक में भी गिवन होगा, नॉट एन इशू. देन इंटरनल असेसमेंट में वही चीज़ है कि 20 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें 20 मार्क्स का जो होगा आपके स्कूल के टीचर लेंगे, देखो इंटरनल एग्जामिनर जो होंगे वो 10 मार्क्स का लेंगे, और बचे हुए 10 मार्क्स का आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर लेंगे. तो बच्चों इस सिलेबस को आपको अच्छे से कवर करना है, आपके पास अभी इनफ टाइम है, सिलेबस बड़ा है छोटा नहीं है, और आपके पास सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, तो मेक ए प्रॉपर रूटीन, अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए और उसको टाइम टेबल को फॉलो कीजिए. सक्सेसफुल होने का बच्चा यही एक मंत्र है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट वाइल स्टडिंग, राइट. कंसिस्टेंटली पढ़िए तो आप सक्सेसफुल होंगे. तो अभी से पढ़िए, एग्जाम जब आता है तो बच्चे परेशान करने लगते हैं कि ये बना दो वो बना दो, अभी से आप पढ़ोगे तो आपको किसी के हेल्प की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको कंटेंट नहीं समझ में आता, डू आस्क, ओके, नॉट एन इशू, आप पूछिए, उसको समझिए और अभी कंसिस्टेंटली पढ़ाई कीजिए. और बच्चों आईसीएसई ने आपकी जो है स्पेसिमिन कॉपीज भेज दी है, यानी कि अपलोड कर दिए अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो हर सब्जेक्ट का किया हुआ है. तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सॉल्व सॉल्यूशंस लेके आ रही हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स.